ना तो मैं चंदा देने वालों में था, ना मैं पूजा करने वालों में हूँ, ना मैं वहाँ फूल बेचने वालों में हूँ, ना मैं मंदिर के समर्थन में था। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जितनी लंबी लड़ाई हम लोगों ने मंदिर की लड़ी, उतनी लंबी लड़ाई अगर हम इस देश में स्वास्थ्य सिस्टम की लड़ते, एजुकेशन सिस्टम की लड़ते, तो शायद आज जो वर्तमान में कोरोना के चलते हजारों लाखों लोग हमारे बिना ऑक्सीजन के मारे गए, उनकी डेथ नहीं होती। तो हमको अंधभक्ति से ऊपर उठ करके मंदिर की लड़ाई लड़ना, मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है यार, मंदिर बनाना काम है मंदिर के जो मानने वाले लोग हैं उनका, गुरुद्वारा बनाना काम सरकार का नहीं है, गुरुद्वारा बनाने का काम है सिखों का, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार का काम है स्कूल बनाना, ये काम सरकार के। अब जो आपने कहा कि वहाँ घोटाला हो गया, मंदिर उनका, पैसा उनका, घोटाला उनका, अरे तुम इसको टुकड़ों में खा लो मंदिर को, या सारे मंदिर को घर ले जाओ। हम एससी एसटी ओबीसी के लोग, हम दलित शूद्र लोग, हमारे पिछवाड़े पर झाड़ू और गले में हांडी लटकती थी, हमें तुम्हारे मंदिर से मतलब क्या है? लूटने वाले ब्राह्मण, लुटवाने वाले ब्राह्मण, सरकार ब्राह्मणों की, तो उसमें हमने क्या करना? लूटो तुम्हारा पैसा, खूब लूटो। नागपाल जी, जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, जब वो चंदे की बात आती है, सबसे ज्यादा चंदा देता है ओबीसी, उनको क्या मिला है आज? नहीं, वो तो हमारे मित्र हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, वो कहते हैं हमेशा कि बड़ा ओबीसी कूद कूद करके कहता था कि क्या नाम है, हम कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, एक भी ट्रस्ट ही नहीं बना। तो ये ओबीसी जो है, ये उनको पता है ये हिंदू धर्म की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो जब तक इसमें रहेगा तब तक कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म मजबूत रहेगा, लेकिन अब वो पिट रहा है, अब उसको पता चल रहा है कि तू सिर्फ लड़ने के लिए मरने के लिए, बाकी तेरी, तो वो कहते हैं ना गांव में एक देसी कहावत है कि कुटिया कुटला से हाथ मत लगाइए, बाकी सब माल तेरा है। तो कुटिया कुटला से हाथ तो ओबीसी लगाता नहीं है, बाकी माल जो है वो सब तुम्हारा है, तो फिर बचा क्या? तो ये समझना चाहिए ओबीसी को, खासतौर से समझना चाहिए। हमारे यादव भाई बहुत जागरूक हो रहे हैं, अब जाट भाई हमारे बड़े जागरूक हुए, पटेल पहले से जागरूक है, तो ओबीसी जग रहा है, जितना जल्दी ओबीसी जगेगा उतना जल्दी जो है वो ये ब्राह्मणवाद जो और जो पाखंडवाद है ये भागेगा, मनुवाद भागेगा इस देश से। सामने आएंगे भगवान राम के नाम पे इतना छींची कंदा काम कौन करे भाई, भगवान राम के नाम पे रसीद काटते फिर रहे, और इतनी प्रोग्रेस तो मेरी उम्र में तो छोड़ो, आपकी में भी नहीं हुई होगी, आपकी उम्र में हुई इतनी प्रोग्रेस, 10 मिनट में 2 करोड़ की चीज 18 करोड़, तकड़ी छलांग मारी बाबा, बिल्कुल आरोप भैया। ये देखे आरोप, देखे जनता जागरूक है, जनता को पता है, इतनी ऐसी क्या फतागी, 7 साल हो गए पार्टी इनकी, पावर इनकी, सब चीज इनकी, क्यों नहीं बनाया इन्होंने भगवान राम का मंदिर, बताओ ना क्यों नहीं बनाया भाई? ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे, हमें भ्रमित कर रहे, और हम तो चाहते हैं बनाओ मंदिर भगवान राम का। अब चुनाव आ रहे हैं, बताइए ना, ये उससे चंदा खत्म हो जाएगा, ये इकट्ठे करके, ये अब शुरुआत कर रहे हैं ना फिर दोबारा से, ये पैसे इकट्ठे कर कर का यही तो घोटाला करा भगवान राम के नाम पे, प्रभु ईश्वर के नाम पे कोई करता है इतना गंदा काम भाई, मेरी उसमें तो नहीं करता जी। क्या राम मंदिर लूट का अड्डा बन गया है और क्या लग रहा है आपको? देखिए राम मंदिर, देखिए भगवान राम की, उसके लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जो इनका वो पूरा प्लेटफॉर्म है ना पैसे कमाने का, चंदा लेके इकट्ठे करने का, वो सारा इन्होंने कहां कर दिया बताओ तो? आप तो सब बोलते हुए डर रही है, वहां तो लूट मच रही है। अरे लूट मच रही है तो एक बात बताओ, भगवान राम थोड़ी कर रहे हैं लूट, उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं देखो ना, भगवान राम कह रहे हैं क्या लूट करो, ये बोलो ना सीधे लूट ये कर रहे हैं, तो सीधे ये बोलो ना उनके नाम पे हो रही, ये कैसे कह रहे हो आप कि भगवान राम ऐसा कर नहीं कर सकते ना भाई, भगवान थोड़ी, सुन लेना क्या बोलो, राम के नाम पे इन्होंने लूट का पहले मचा भैया, ये सत्ता में ही लूट के नाम पे आए, चंदा क्यों देते हैं उनको, किनको? आप जैसे लोग। अब एक बात बताओ भैया, हम तो सुनिए पहली बात, चांदी की देखो ना तो मेरी इतनी हैसियत है, मैं सोने चांदी की ईंट दे सकूं, हाँ मेरे जैसे ने दिया होगा, लेकिन वो जो सोने चांदी की ईंट देने वाले वो तो भगवान के उसमें बहेंगे ना, अब क्या मत भैया, अब नहीं बहेंगे, अब उसमें बहेंगे, कितने अस्पताल बने, कितनी शिक्षा सुधरी, कितना देश सुधरा, कितने लोग नौकरी लगे, अब इस चीज को ध्यान में रखना, इन्होंने लूट का सिस्टम बना लिया, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 18 करोड़ इस चीज का, भगवान राम के नाम पे जो इन्होंने काम करा है, इतना कलंकित काम करा, इस चीज को लोग ध्यान में रखेंगे, और ये लीपने काम कर रहे हैं भैया, हम तो कह रहे हैं बनाओ, चिल्लाओ, एक व्यक्ति की वीडियो, भाई एक वीडियो वायरल हुई थी एक भाई की, मुझे नाम नहीं पता, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए, अच्छी बात है, हुई थी ना वो वीडियो वायरल, तो भाई हम भी कह रहे बनाओ मंदिर, इस पैसे को इससे पहले ये सारे मिलकर खा जा मैं, इससे पहले मंदिर बनाओ, अब आरोप लग रहे हैं कि बनाने नहीं दे रहे, ऐसे ऐसे आरोप, कौन कह रहा भाई, बीजेपी, ये इनके पास सिर्फ एक जुमलेबाजी है, देश की जनता चाहती है, एक बात बताओ, कोर्ट का सम्मान सबने करा, ठीक, भगवान राम का मंदिर है बनेगा, ठीक, कौन कह रहा, कौन रोक रहा, हम समर्थन करते हैं मंदिर बना लो भाई, हम कद रोक रहे हैं, पर बना वो चंदा तुम पहले ही लिमटा दोगे, खा लोगे, फिर क्या मंदिर बनेगा?
तो उस चंदा को निमटाने का काम कर रहे हो, खाने का काम कर रहे हो, तो मंदिर कहाँ से बनेगा? फिर नु कह देंगे जनता को, वो बता देंगे कि जनता ने नहीं बनने दिया। ये तो घोटाले का आरोप तो पहले से लगते रहे लोग, फिर भी पहले घोटाले हुए 2014 से पहले, बहुत 1400 करोड़ का आरोप, सुन लीजिए 2014 से पहले बहुत घोटाले हुए। व्यक्ति कहाँ गए? जेल में, ठीक, व्यक्ति कहाँ गए? जेल में। और 2014 के बाद जो घोटाले हुए वो कहाँ है? विदेश, हवाई, कहाँ गए लोग? विदेश, भाग जाओ भैया घोटाले करके। 2014 से पहले का रिकॉर्ड निकाल के देखो, वे जेल जा, ये कहाँ जाएंगे? ये भी तुम्हें दिखने के ना, इसलिए देश की जनता से अनुरोध है, एक रहे, इकट्ठे रहे, धर्मवाद जातवाद के नाम पे वोट ना डाले, देश की शिक्षा सुधरे, युवा नौकरी पे जावे और देश के किसानों की जो है बेहतर इज्जत सम्मान हमेशा बना रहे और उनके लिए प्रोग्रेस हो, इस नाम पे राम मंदिर बने। आप हम तो चाहते हैं भाई, शिक्षा की बात कर रहे हैं और राम मंदिर भी चाहते हैं, तो दोनों में से एक ही बनेगा ना? क्यों बनेगा, क्यों बनेगा? ये देश की जनता ने पैसे दिए हैं इतने जो दिए हैं, ठीक, इन्होंने अपनी जेब से दिए हैं, क्यों चले गए घोटाले में? जवाब दो ना, क्यों चले गए? इनकी सरकार के लोगों से तो भैया, आप जैसे पत्रकार निष्पक्ष लोग हो, अनुरोध करती हूँ सभी चैनल वालों से कि आप लोग जावे और यू सिस्टम उनके आगे लगा मैं और बतावे जी कहाँ है जी इतनी आई थी सब कुछ, इतने लोगों ने मदद करी। धर्म एक धंधा बन चुका है, मानती हैं आप? इन्होंने धर्म को धंधा बना रखा, बिल्कुल ठीक है, हमने नहीं बना रखा, बना रखा इन्होंने, जो सत्ता में आवे सीधे डायरेक्ट नाम नहीं लेती क्या? मैं ये बताओ, जो सरकार है सत्ता में, इनके लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा, सीधी सी बात है, सबने नहीं बना रखा, हमने नहीं बना रखा, इन्होंने नहीं बना रखा, इनको कैसे कह दूंगी मैं? जिन्होंने बना रखा उन्हें कहा जाएगा, बीजेपी ने, सीधी बात है। और क्या हो रहा आप बताओ ना, आप बताओ क्या हो रहा? और ब्राह्मण नेता जो जुड़ रहे हैं कांग्रेस से जा रहे हैं भाजपा, उसे कैसे देखते हैं? देखो कार्ड खेला जा रहा है ना बीजेपी, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो सभी जात के लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से अपील करूंगी कि आप अपनी कुर्सी ना देखें, जनता का हित देखें, अपने बच्चों का हित देखें, चंद लालच में ना आवे। सभी धर्मों के लोगों से, सभी जात के लोगों से, चाहे वो ब्राह्मण समाज से है, चाहे वो ठाकुर समाज से है, चाहे किसी भी समुदाय से है, अपने बच्चों का हित, अपने देश का हित सबसे सर्वोच्च होता है, देश हित, ठीक, वो चीज देखें, बाद में देखें और भी कुछ, सब सर्वोच्च राज धर्म का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो कोई जात है, चाहे वो कोई धर्म है, राज धर्म सबसे ऊपर होता है, सबको उसका पालन करना चाहिए। आज से 7 साल पहले जब बीजेपी इलेक्शन की तैयारी कर रही थी तो सभी लोगों ने और सभी युवाओं ने सोचा कि ये आने वाला फ्यूचर है हमारा, लेकिन फ्यूचर नहीं, इसने 7 साल बाद और कुछ किया है। आप लोग देख सकते हैं कैसे हमारा अन्नदाता भी रोड पे है और युवाओं की जितने वैकेंसी है वो सब खत्म हो चुकी है, हर एक युवा भटकता फिर रहा है, हर एक युवा मजदूरी कर रहा है, जितने लोगों ने डिग्री ग्रेजुएशन की है युवाओं ने, वो सब भटकते फिर रहे हैं। और रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर हिंदू मुस्लिम में बंटवारा किया है इन्होंने, आज से कम 7 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं थी हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रह रहे थे, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के नाम पे बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम आ गए उसमें, हिंदू को अलग कर दिया गया, मुस्लिम को अलग कर दिया गया। और अब आप लोग देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे कैसे देश चला रहे हैं लोग। अब ट्रस्ट कितना, 2 करोड़ से कम इन्होंने सेकंड में 14 करोड़ का चंदा गायब कर दिया है और आज से 1400 का चंदा इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब आप देख सकते हैं हमारा देश कैसी कठिनाई पे, और अगर सच बताऊं तो हमारा देश विकास की तरक्की पे और गरीबी में 135वें स्थान पे है, आप चेक कर सकते हैं।